ज़ाफ़रान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्रोसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट ज़ाफ़रान। आप ज़ाफ़रान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुंबई के विरार स्थित विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार आग कोविड अस्पताल के ICU वार्ड में लगी है। हादसे में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अस्पताल में आग लगने के कारण 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जब अस्पताल में आग लगी उस समय ICU वार्ड में 17 मरीज भर्ती थे। आग लगने की घटना के पीछे प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। घटना के कारण का सही कारण जांच के बाद ही सामने आएगा। अस्पताल के बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस पूरी घटना पर जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वही महाराष्ट्र सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन जिस तरह से इस अस्पताल में आग लगने की वजह से 13 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है, ये तस्वीरें काफी दर्दनाक है। Thank you.